नीरज कुमार नीरज सर चैनल में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोग प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के बारे में पढ़ चुके थे और आज मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। मटेरियल नाउन और मटेरियल नाउन के फैक्ट के बारे में जानेंगे आज हम लोग। तो देखते हैं कि मटेरियल नाउन किस प्रकार से एक्शन करता है कोई किसी भी सेंटेंस में। तो मटेरियल नाउन सबसे मटेरियल नाउन देखना है। मटेरियल नाउन मटेरियल नाउन कौन क्या है जो देखते हैं। पहले बोला जा रहा है कि ए नाउन दैट इज आइदर मेजर्ड और वेटेड बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ए नाउन दैट इज आइदर मेजर्ड A noun that is either measured or weighted or weight but cannot be counted is called material नॉन। मटेरियल नॉन कौन सी है? बोला कि मटेरियल ए नॉन डेट इज आइदर मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नॉन। मैंने बोला जा रहा है कि ना मटेरियल नॉन को हम लोग गिन नहीं सकते, उसको सिर्फ कर सकते हैं तो क्या, या तो तोड़ सकते हैं या तो नाप सकते हैं, नहीं उसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो इसका फैक्ट पढ़ते हैं। तो फैक्ट नंबर फर्स्ट में मटेरियल नाउन क्या कर रहा है? बोला इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। बोला मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब भी अपने साथ क्या लेगा, तो अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगा। फैक्ट नंबर सेकंड, जनरली आर्टिकल डज नॉट कम्स बिफोर ए मटेरियल नॉन। बोला जनरली आर्टिकल डज नॉट कम्स बिफोर ए मटेरियल नॉन। यानी बोल रहा है कि मटेरियल नॉन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। एग्जांपल थोड़ा देखते हैं हम लोग कि एग्जांपल में क्या है। जैसे वाटर एग्जांपल में देखते हैं कि वाटर आर कलरलेस। सेकेंड में ए वाटर इज कलरलेस। थर्ड में वाटर इज कलरलेस। तो फैक्ट नंबर के अनुसार देखते हैं। फैक्ट नंबर में क्या बोला कि इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। बोला इट इज सिंगुलर, मटेरियल नाउन जो होता है सिंगुलर होता है और वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। तो यहाँ मटेरियल नाउन यहाँ पर क्या चीज, वर्ब पुनर लिया हुआ है, इसलिए मटेरियल नाउन गलत हो जाएगा। और बोला जा रहा है कि वाटर के पहले यानी मटेरियल नाउन के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा यानी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, इसलिए ए भी गलत है। बोला वाटर इज कलरलेस, वाटर सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर, इसलिए ए सही माना जाएगा। फैक्ट नंबर थ्री मोर इम्पोर्टेंट है। ड्रग्स मीन्स कूड़ा कचड़ा is only material noun that
हाँ बोला क्या, ड्रेक्स यानी कूड़ा और कचड़ा, कूड़ा और कचड़ा, इज ओनली मटेरियल नाउन डेट इज प्लुरल, डेट इज प्लुरल एंड गेट्स प्लुरल वर्ब, प्लुरल वर्ब। बोला है कि कूड़ा कचड़ा है जो मटेरियल नाउन तो है लेकिन अपवाद में क्या होते हैं कि प्लुरल होते हैं, क्या होते हैं प्लुरल। एग्जांपल में थोड़ा देख ले, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फर्स्ट में देखते हैं, drag are laying aside the road in this area मतलब ड्रैग आर लेइंग ए साइड द रोड इन एरिया। सेकेंड में क्या है कि ड्रैग्स, सेकेंड एग्जांपल सेकेंड देखते हैं हम लोग, ड्रैग्स आर लेइंग ए साइड द रोड इन दिस एरिया। तो यहाँ पर क्या है, ड्रैग क्या हुआ, इसलिए इसके अनुसार ये गलत है और ड्रैग से ही होता है हमेशा, सिंगुलर और प्लुरल इसको बनाया नहीं जाता, इसलिए इसके अनुसार ये पूरा सही का सही है। नेक्स्ट अवस्ट्रेक्ट नाउन, कौन सा नाउन, तो अवस्ट्रेक्ट नाउन, अवस्ट्रेक्ट नाउन। अवस्ट्रेक्ट नाउन क्या है इसके बारे में लोग जानते हैं, एन अवस्ट्रेक्ट नाउन इज द name of feeling। bola an abstract noun is the name of one's feeling is called an abstract noun। abstract noun means hota hai bhavvachak sanjnya, mane jisse hame bhav ka bodh ho, जैसे कि दोस्ती, लव, ये सब क्या चीज़ है, इसको हम नहीं देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे बचपना हो गया, ईमानदारी हो गया, ईमानदारी को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन उसे हम महसूस कर सकते हैं कि वह व्यक्ति बहुत ही ईमानदार है ना, उसके पास बहुत ही ईमानदारी है, तो ईमानदारी को देख नहीं सकते हैं, बचपना को देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं कि उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ब्रदरहुड ईटीसी। अब अवस्ट्रेक्ट नाउन में कुछ कुछ जो फैक्ट हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फैक्ट नंबर वन क्या कह रहा है, इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। ये हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्ब क्या होंगे, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी। फैक्ट नंबर सेकेंड क्या है, बोला कि जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर एन अवस्ट्रेक्ट नाउन, जनरली
generally article does not article does not come before an abstract noun. Abstract noun. बोला abstract noun के पहले article का भी प्रयोग नहीं होगा. Example. Brother would are a great quality. Second में a brother would a brother would is a great quality. Third example, brotherhood is a great quality. तो fact number one क्या बोला कि it is always singular and gets singular verb. तो देखते हैं it is always and gets singular verb. ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसके साथ प्लुरल वर्ब का यूज किया गया, इसके लिए ये क्या हो गया गलत. सेकंड में बोला ना कि अबस्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा जो कि यहां किया गया, इसके लिए ये भी गलत. सेकंड नंबर भी गलत. थर्ड नंबर में सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया, इसलिए थर्ड नंबर का सही है.